रात का समय था, एक बहुत ही भयानक चुड़ैल जंगल से गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी। अरे मोरी मैया, अब अपने पेट की आग का क्या करूं? सर्दियों में इंसानों का मीट खा खा कर अपने पेट में इतनी आग भर ली है कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल गांव में पानी ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता। तभी एक औरत मटके में पनघट से पानी भरकर ले जा रही होती है। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, अब ये मटकी का पानी पीकर ही थोड़ा सा आनंद आएगा। तभी उस औरत के ऊपर चुड़ैल की नजर पड़ती है और चुड़ैल उसे देखकर अपने मन ही मन सोचती है, अरे इस औरत के पास तो पानी है, क्या पता पानी से ही मेरे पेट की आग कम हो जाए। ये सोचकर चुड़ैल उस औरत के पास चली जाती है। जैसे ही वो औरत चुड़ैल को देखती है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगती है। चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से प्रकट हो गई? अरे चुड़ैल, हम का जाने दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। चल अब मुझे ये पानी की मटकी दे दे, मेरे पेट में इंसान को खा खा कर पूरी तरह आग लगी पड़ी है, शायद इस पानी से ही मेरे पेट की आग बुझ जाए। चुड़ैल उस औरत से मटकी छीन लेती है और सारा पानी गट गट करके पी जाती है। लेकिन इतना पानी पीने के बाद भी चुड़ैल के पेट को शांति नहीं मिलती और वो गुस्से में आकर कहती है, अरे ये क्या, इतना पानी पीने के बाद भी मेरे पेट में शांति नहीं हो रही है, लगता है ये पानी ही नहीं है, इस औरत ने मेरे को धोखा दिया, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। तभी चुड़ैल उस औरत को मारने लगती है, जिसके बाद वो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ती है। आगे चलते चलते उसे एक कूड़े का खेत दिखाई देता है, जिसमें खीरे के कई सारे छिलके पड़े होते हैं और उसमें कुछ कटे हुए खीरे भी होते हैं। चुड़ैल अपने पेट की आग को बुझाने के लिए उन खीरों को उठाती है और खाने लगती है। ये हुई ना बात, अब जाकर मेरे पेट को थोड़ी सी ठंडक मिली है, अब आएगा ना मजा। तभी चुड़ैल को खीरे खाने की तलब उठती है, जिसके बाद चुड़ैल डस्टबिन के पूरे कूड़े में खीरे ढूंढने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ तो सारे खीरे खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या खाऊं? इस गांव में तो कोई खीरे की खेती भी नहीं करता, जो मैं किसी के खेतों से खीरे चुरा कर खा लूं। तभी चुड़ैल को एक आइडिया आता है और वो कूड़े के खेत पर पड़े हुए खीरों के छिलकों को उठाती है और उठाकर अपने मन ही मन सोचती है, अरे मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, जब मैं खुद खीरे की खेती 5 मिनट में उगा सकती हूँ। चुड़ैल तुरंत खीरे के सभी छिलके उठाती है और उन्हें उठाकर एक खाली खेत में ले जाती है, जिसके बाद वो पूरी रात खीरों की खेती करने लगती है। ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, अब मैं खीरों की खेती करके अपने पेट की आग और जलन को बुझाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल पूरे खेत के अंदर खीरे के बीज और उसके छिलके डाल देती है, उसी समय वो अपनी शक्तियों के द्वारा खेत के ऊपर एक जादू करती है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। चुड़ैल के मंत्र पढ़ते ही खेतों के अंदर कई सारे खीरे उग जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत ही प्यारा खीरों का खेत बन जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उनमें से आधे खीरे खुद खा जाती है और बाकी के वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन सुबह जैसे ही गाँव के लोग उस खाली बंजर खेत के अंदर खीरे की खेती देखते हैं, उन सब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही बेकार जमीन थी, इस जमीन पर तो फसल उग पाना नामुमकिन काम था, फिर इसके ऊपर खीरे की खेती किसने की होगी? अरे जिसने भी ये खीरे की खेती की है, बहुत ही बढ़िया और मेहनत से ये खीरे की खेती की है, जरा देखो तो कितने बढ़िया बढ़िया खीरे इस पर उग रहे हैं। लेकिन आखिर खेती की किसने है, और मैंने कल तक यहाँ एक भी खीरा नहीं देखा था, पर एक ही रात में यहाँ खीरा कैसे उगाया? गांव के कुछ लोग पूरे गांव में खेती करने वाले के बारे में जानकारी ढूंढने लगते हैं, लेकिन इतनी जानकारी ढूंढने के बाद भी किसी को ये पता नहीं चलता कि आखिर एक रात में ये खीरे की खेती किसने की। जिसके बाद गांव वालों को न पता चलने पर ये सब मुखिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे मुखिया जी, आपको पता है हमारे गाँव में एक दिन में खेती भी हो जाती है। अरे महेश्वर, ये पंचायत है या मजाक नहीं चलती, ये फालतू की बातें छोड़ो और काम की बात करो। तभी गजेंद्र नाम का एक आदमी उठ खड़ा होता है और मुखिया से कहता है, नहीं नहीं, ये सच बोल रहा है, इस गांव में सच में एक रात के अंदर खेती हो रही है, आओ मुखिया जी मैं आपको दिखाता हूँ। गांव के सभी लोग मुखिया को उस खीरे की खेत तक ले जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही मुखिया उस खीरे की खेती को देखता है, वो खुशी से पागल हो जाता है।
अरे अरे ये कैसे हो सकता है, इस बंजर जमीन पर तो आज तक किसी भी फसल की खेती नहीं हुई, फिर यहाँ खीरे कैसे उगते हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। और अब अगर इस जमीन पर खेती हो ही गई है तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। तभी मुखिया अपने कुछ आदमियों को बुलाता है और खीरे की खेती से सभी खीरे निकलवा लेता है और उन्हें शहर बेचने के लिए भिजवा देता है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और रात को फिर से चुड़ैल अपनी पेट की गर्मी को बुझाने के लिए अपने उगाए हुए खीरे की खेती के पास पहुंच जाती है। खीरे खीरे मेरे प्यारे खीरे, आज मैं खाऊंगी अपने हाथों से उगाए हुए खीरे। जैसे ही चुड़ैल अपने खीरे की खेती के पास पहुंचती है, उसे पूरा खेत खाली दिखाई देता है, जिसे देखकर वो गुस्सा होने लगती है। अरे मेरे इतने सारे खीरे कहाँ गायब हो गए? लगता है इन गांव वालों ने मेरे सारे खीरे चुरा लिए हैं। अगर ये ऐसे ही करते रहे तो मैं खीरे कैसे खा पाऊंगी? मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से खेत के अंदर कई सारे खीरे उगा देती है, जिसके बाद चुड़ैल उनमें से आधे खीरे खुद खा लेती है और उसके पेट की गर्मी दूर हो जाती है। लेकिन बाकी के खीरों पर चुड़ैल जादू टोना कर देती है। गाँव वालों प्री पॉकेट में मुफ्त के खीरे खा रहे थे, अब मैं देखती हूँ कैसे खाओगे इन खीरों को। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन सुबह जैसे ही मुखिया अपने कुछ लोगों को लेकर अपने खेत से खीरे निकलवाने लगता है, तभी अचानक से उसके ट्रैक्टर के टायर पंक्चर हो जाते हैं। हे भगवान, इन टायर को भी अभी पंक्चर होना था। मेरे पास और कोई दूसरा ट्रैक्टर भी नहीं है जो शहर जा सके। एक काम करता हूँ, आज इन सभी खीरों को गाँव वालों को ही कम पैसों में बेच देता हूँ, कम से कम कुछ तो मुनाफा होगा ही। मुखिया अपने आदमियों को गांव की सब्जी मंडी में खीरे बिकवाने के लिए भेज देता है। सस्ते खीरे बेचने की वजह से गांव के सभी लोग मुखिया के खेत के खीरे खरीद लेते हैं, और जैसे ही गांव के लोग उन खीरों को खाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। ये सब होने के बाद गाँव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मुखिया को जाकर उनके खीरों के बारे में बताते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, खीरे तो एकदम ताजा ताजा थे, फिर कोई बीमार कैसे हो सकता है? चलो गांव वालों मेरे साथ, देखते हैं कहीं खेत में कोई परेशानी तो नहीं है। जैसे ही मुखिया गांव के लोगों को अपने खेत के पास खीरे दिखाने के लिए लेकर जाता है, तभी वहां उन्हें एक बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है, जो खीरे के खेत में बैठी हुई खीरे खा रही होती है। बहुत ही मजेदार है ये खीरे, मेरे तो पूरे पेट की गर्मी ही निकल गई। चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक आदमी हिम्मत करके चुड़ैल से कहता है। अरे चुड़ैल, ये तूने क्या किया? तेरी वजह से कितने लाचार और मासूम लोगों की जान चली गई। आखिर तुम हमारे गांव के इस खेत में क्या कर रही हो? रात का समय था और दो भयानक जुड़वा चुड़ैल बहनें जंगल से गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी। उनका शरीर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनके दो सिर और दो हाथ दो पैर थे, यानी दो चुड़ैल और एक शरीर। तभी एक चुड़ैल कहती है, अरे काया जल्दी चल, तेरी वजह से देर हो जाएगी और हमें अपना शिकार भी नहीं मिलेगा। क्या बात कर रही है तू? तू ही तो धीरे धीरे चल रही है, मैं तो तेज चल रही हूँ। तू तो बहुत ही जहर है, अपनी गलती इतनी साफ तरीके से मेरे ऊपर डाल देती है। चुप चुप हो जा, मुझे इंसान की महक आ रही है। तू जानती है ना मेरी नाक कितनी सुपर कूल है, दूर खड़े इंसान को भी बहुत जल्दी महक लेती है। बोल तो तू सही रही है, मुझे भी इंसान के होने की आहत महसूस हो रही है। लगता है हमें हमारे शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तभी वे दोनों चुड़ैल आगे की तरफ बढ़ते हुए एक पनघट के पास एक आदमी को नहाते हुए देखती हैं। इल्लो कर लो बात, हमारा तंदूरी चिकन तो अभी स्नान करने गया है, अब क्या उसका इंतजार करें? अरे तंदूरी चिकन छोड़, तंदूरी बॉडी बोल बॉडी, हमारा शिकार तो बॉडी बिल्डर है। हाय मैं तो फैन हो गई, चल ना इसे छोड़ दे, मैं इसे पटाना चाहती हूँ। ले भैया फो, तू तो चुड़ैल होकर भी पूरे धुर्राटे काट रही है। चल ठीक है, मैं तेरे दिल को तोड़ना नहीं चाहती, जा और मौज कर। लेकिन बहन
तेरे बिना मौज कैसे हो पाएगी? पहले हम दोनों को अपने रूप बदलने होंगे, तभी हम उसके पास जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, इस बार सुंदर मुझे दिखना है। छिपकली की शक्ल की तू क्या सुंदर दिखेगी। ये कहते ही काया अपने साथ साथ छाया का भी रूप बदल देती है, जिसके बाद वे दोनों इंसानी रूप में पनघट के पास पहुंच जाते हैं। उस आदमी के आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वो आदमी पनघट से बाहर निकलता है, अपने सामने उन दोनों जुड़वा बहनों को देखता है, जिसके बाद उस आदमी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वो डर से थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल, ये तो वही चुड़वा चुड़ैल है जो रात के समय लोगों को मारकर खा जाती है। लेकिन इन्होंने इंसानों का रूप क्यों बदल रखा है? हे भगवान, आज ये मैं कहां फंस गया? अब मैं क्या करूं? ये दोनों तो मुझे मार ही देंगे। तभी छाया और काया लखन के पास आती हैं, जिसके बाद छाया लखन से कहती है, अरे आप तो बहुत ही स्मार्ट हो, पूरे धर्राटे काट रहे हो, जिम वगैरह करते हो क्या? जो इतनी सॉलिड बॉडी बना रखी है। तभी लखन अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये चुड़ैल तो मेरी बॉडी की तारीफ कर रही है, लगता है मैं इसको पसंद आ गया हूँ। यही सही मौका है इन दोनों चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का। क्या हुआ, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कोई परेशानी है क्या? नहीं जी, मैं तो इतनी खूबसूरत और सुंदर लड़कियों को देखकर हैरान ही रह गया। आप दोनों बहुत ही खूबसूरत हो, क्या मैं आप दोनों के नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम छाया है और ये मेरी बहन, इसका नाम काया है। हम दोनों बचपन से ही जुड़वा हैं और एक शरीर दो जान है। अरे वाह, तुम तो अनोखी हो, तुम्हारी तो बात ही निराली है। लेकिन इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिकार ढूंढने निकले हैं। क्या कहा, शिकार? अरे वो मेरी बहन का कहने का मतलब ये है कि हम इतनी रात के समय अपनी मुर्गी को ढूंढने आए हैं, कहीं दिख ही नहीं रही है, पिंजरे से बाहर चली गई। जब तक उसे पकड़ नहीं लेते रात भर नींद नहीं आएगी। तो अच्छा, तो ये बात है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आपने इतना कहा, हमारे लिए इतना ही काफी है। तभी काया की नजर लखन के पैरों की तरफ पड़ती है। लखन के पैर बहुत ही बुरी तरह कांपने लगते हैं। वहीं उसके माथे पर बहुत ही ज्यादा पसीना भी आया था, जिसे देखकर काया को समझने में देर नहीं लगती कि लखन को उन दोनों चुड़ैलों के बारे में सब पता है। तभी काया अपने असली रूप में आकर लखन से कहती है, तुझे क्या लगा था तू हमसे झूठ बोल लेगा और हम तुझे छोड़ देंगे? गलत सोचता है तू। मैं जानती हूँ कि तुझे पता है हम दोनों चुड़ैल जुड़वा बहने हैं, लेकिन अब हम तुझे मार कर खा जाएंगे। काया को अपने असली रूप में आते देख छाया भी अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद लखन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काया उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। उसे मारते हुए देख छाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उसे पसंद करने लगी थी, तुमने इस बार भी मेरी नहीं सुनी और अपनी चलाई। तुम बहुत बुरी हो। वो लड़का हमारे बारे में सब कुछ जानता था, अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो हमें मार सकता था। तुम एक चुड़ैल बन चुकी हो, अब तुम्हें ये बच्चों की तरह नादानियां करनी छोड़ देनी चाहिए। चलो आओ, अब इसे खाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। नहीं, मैं इस आदमी को नहीं खा सकती, मैं इसे पसंद करने लगी थी, लेकिन तुमने इसे मार दिया। छाया की बात को सुन काया उसकी बात को अनसुना कर देती है और उस आदमी को पूरा खा जाती है, जिसके बाद काया जंगल में एक जानवर का शिकार करती है और छाया को खाने के लिए देती है, जिसके बाद छाया उस जानवर को खा लेती है और फिर वो दोनों चुड़ैले वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जब गांव के सभी लोग उस आदमी का मरा हुआ देखते हैं, तो वे आपस में बात करने लगते हैं। अरे देखो जरा, फिर से एक बार इस गांव में किसी की लाश मिली है। अरे कब तक ऐसे ही उन जुड़वा चुड़ैल बहनों के डर से हम लोग इस गांव में जीते रहेंगे? अरे हमें उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। अरे भाई राजू, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? उन चुड़ैल को यहाँ से भगाना कोई मामूली बात नहीं है, वो जुड़वा चुड़ैल बहुत ही भयानक है। जितनी शक्ति उनके पास है, हमें भी उतनी शक्ति वाला ही कोई चाहिए।
फिर तो शमशान घाट के अघोरी बाबा ही हैं जो चुड़ैल को यहाँ से भगा सकते हैं। उनके जितना शक्तिशाली और कोई नहीं। गांव के सभी लोग ललिता की बात पर सहमत होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग शाम होते होते शमशान घाट तक पहुंच जाते हैं और अघोरी बाबा से मिलकर उन्हें अपनी सभी परेशानियों के बारे में बता, जिसे सुनकर अघोरी बाबा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिंता मत करो, मैं उन दोनों को तुम्हारे गाँव से जरूर भगाऊंगा। आज की रात उन दोनों की आखिरी रात होगी। रात होते होते अघोरी बाबा गांव वालों के साथ उनके गांव पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को अपने पास बुला लेता है। क्यों बुलाया है तूने हमें यहाँ? क्या चाहता है तू हमसे? देख अघोरी, हम दोनों तेरे बस में नहीं आने वाली, इसीलिए सीधी तरह यहाँ से चला जा। तुम दोनों इस गाँव में क्या कर रही हो? यहाँ इंसानों का वास है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ से भगाना होगा। अबे अघोरी, तू मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तभी काया अपनी शक्तियों से अघोरी के ऊपर वार करने लगती है, जिसके बाद अघोरी घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपनी तंत्र विद्या और मंत्रों के उपचार से वो उन चुड़ैलों के ऊपर वार करता है, जिसके बाद वो एक घेरा बनाता है और उसमें खड़ा होकर शिव तांडव करने लगता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डम डुमम 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 निनाद दवन एवं चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। शिव तांडव के मंत्र से वो दोनों चुड़ैल कमजोर पड़ जाती हैं और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है, जिसके बाद अघोरी बाबा उन दोनों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है और वो दोनों जलकर वहीं भस्म हो जाती हैं, जिसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। आज मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन फिर भी ये सोचता हूँ कि मेरे पास इतना होने के बाद भी इन सब पर कौन राज करेगा। वेद खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पास उसका दोस्त यश आ जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ वेद, तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे यार देखना, मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, हर एक चीज है, लेकिन मेरी किस्मत में इस घर की लक्ष्मी नहीं है। मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा। भगवान जाने आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो लड़कियां मुझसे शादी नहीं करना चाहती। देखना भाई, मैं तो इतना स्मार्ट भी हूं। अरे यार तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं तुझे एक ऐप बताता हूँ, तू उस ऐप से अपने लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की को ढूंढ सकता है। ला अब फोन दे मुझे अपना। इतना कहकर यश वेद का फोन ले लेता है और उसके फोन में एक ऐप डाउनलोड कर देता है, जिसके बाद उस हैपन ऐप पर एक लड़की का मैसेज आता है। ये देख यश खुशी से वेद को बोलता है, देख वेद, मैं तुझे बोल रहा था ना कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी और सुंदर लड़कियां होती हैं। देख तुझे इस लड़की ने मैसेज भी कर दिया। चल दोस्त अब तो लगे रह। इतना कहकर यश वहां से चला जाता है और वेद अपने फोन में लगा रहता है। देखते ही देखते अब वेद उस लड़की से फोन पर बात करते हुए मिलने के लिए कहता है, हेलो वासना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ वेद बिल्कुल, तुम मुझसे कब मिलोगे? जब तुम कहोगे मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। इतना सुनकर वेद खुश हो जाता है और अगली शाम 4 बजे वो वासना से मिलने के लिए गार्डन ऑफ 5 सेंस चला जाता है। जैसे ही वेद वासना को देखता है वो उसकी खूबसूरती को देखकर मदहोश हो जाता है और उसको देखते ही वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। वासना, मैं तुम्हारी इस खूबसूरती का दीवाना हो चुका हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ मेरे नाम करोगी? वासना भी अब वेद से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी और इस तरह वो उसको शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ समय बाद वासना और वेद दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वेद अपनी पहली रात को अपनी पत्नी वासना से बोलता है, वासना ये रात आज हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रात है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वेद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। इतना कहकर वो दोनों अपनी पहली रात बहुत अच्छे से गुजारते हैं और इस तरह वासना वेद के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगी। एक रात की बात है, जब वेद सो गया तब वासना तैयार होकर घर के बाहर निकलती है कि तभी उसे एक लड़का जो कि नशे में चोर था उसके सामने आता है और वासना को देखकर गाना गाता है, तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे,
हो गई जाने जहां, तेरी आदत सी मुझे। उस लड़के का गाना गाते हुए देख वासना अचानक ही रुक जाती है और उसके गाने का जवाब वो भी सुरीली आवाज में गाना गाते हुए देती है। जब जब तेरे पास में आई एक सुकून मिला, जिसे मैं थी ढूंढती आई वो एक वजूद मिला। दिल संभल जसरा, फिर मोहब्बत करनी चला है तू। इतना कहकर वासना आगे की तरफ निकल जाती है और उसके पीछे पीछे वो लड़का जाने लगता है। थोड़ी दूर चलकर एक सुनसान रास्ता आ जाता है और वासना एक मामूली से इंसान से हटकर एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। ये देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है कि तभी चुड़ैल अपनी जीभ लंबी करके उस लड़के को पकड़ लेती है और जिंदा निकल जाती है। हंसते हुए वो बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको जिंदा खा जाऊंगी, इन सभी को मारकर मैं अपनी सुंदरता बनाए रखूंगी। आखिर जब मैं इन्हें मारूंगी तभी तो मैं जवान और सुंदर दिखूंगी। अगर मेरी सुंदरता कम हो गई तो मेरे वेद जी मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और एक बार फिर वो वासना का रूप लेकर वेद के पास सोने के लिए चली जाती है। इस तरह अब वासना हर रात बाहर जाती है और एक भयानक चुड़ैल के रूप में लोगों को मारकर खा जाती है। धीरे धीरे उस गांव में लोग कम होते गए। गांव के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग जा कहां रहे हैं। यह चर्चा पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। इस गांव में इंसान गायब हो रहे हैं। ऐसे ही एक रात जब वेद अपने ऑफिस से घर आता है तब वो अपनी पत्नी वासना से बोलता है, अरे वासना, तुमने सुना हमारे गांव के लोग गायब हो रहे हैं? हाँ वेद जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी सुना है। खैर छोड़ो, हम क्यों इतनी चिंता में हैं? इतना कहकर वासना उसको खाना खिलाकर सुला देती है और रात को एक बार फिर शीशे के सामने खड़े होकर सजने लगती है कि तभी वेद की आंख खुल जाती है, जहाँ वेद देखता है कि उसकी पत्नी वासना शीशे के सामने खड़े होकर सज रही है। पीछे से तो वो उसकी पत्नी थी लेकिन शीशे के अंदर कोई और ही था। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन हो? उसकी ये बात सुनते ही वासना पीछे पलटती है, जहां वो देखती है कि वेद को उसका सारा सच पता चल गया और वो चुड़ैल रोते हुए वेद से बोलती है, वेद जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इसका मतलब यही है कि गांव में जो लोग गायब हो रहे हैं उसके पीछे कोई और नहीं, तुम हो, तुम सबको मार रही हो? हाँ वेद जी, मैं मार रही हूँ, लेकिन इसके पीछे का कारण भी है। आज से पिछले 5 साल पहले मैं वासा नाम की लड़की अपने गांव में रहा करती थी। मेरी शादी एक विशाल नाम के लड़के से हुई थी। मेरी शादी की पहली रात मुझे पता चला कि मेरा पति किसी और लड़की से प्यार करता है। मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई तो मुझे मेरे पति ने जिंदा जलाकर मार दिया और तब से मेरी आत्मा सच्चे प्यार की तलाश में भटकती रह गई। उसके बाद मुझे तुम मिले, तुमने मुझसे शादी की, मुझे प्यार दिया। वेद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं लोगों को इसलिए मारकर खा रही हूँ क्योंकि इससे मेरी सुंदरता बनी रहेगी और मैं हमेशा के लिए जवान बनी रहूंगी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा वासना। इतना कहकर वेद अपने घर के मंदिर में जाता है और वहां से त्रिशूल लाकर चुड़ैल के पेट में घोंप देता है। इस तरह वो चुड़ैल मर जाती है। वेद ने अपना प्यार अपने गांव वालों के प्रति कुर्बान कर दिया था और तब से वेद के गांव वाले एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगे, लेकिन वेद इस सदमे में आज तक जी रहा था। इंसानों का अंतिम सफर। काव्य और दक्ष की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों अपने हनीमून के लिए शिमला की हसीन वादियों में बसा स्नो वैली रिजॉर्ट्स होटल में रहने वाले थे। वहां जाने के लिए दक्ष ने ट्रेन की 2 टिकट बुक कराई थी। उनकी ट्रेन रात के 11 बजे की थी और दोनों वहां जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी दक्ष काव्या से बोलता है, काव्या जल्दी रेडी हो जाओ, हमें 9 बजे निकलना है, अगर हमने देरी की तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी।
बस 2 मिनट और, मैं ये लिपस्टिक लगा लूँ उसके बाद निकलते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। इतना बोलकर दक्ष कार में सामान रखने लगता है और कार में बैठकर काव्या का इंतजार करने लगता है। तभी काव्या वहाँ आती है और कार में बैठ जाती है, जिसके बाद उनका ड्राइवर उन्हें स्टेशन पहुँचा देता है, लेकिन उन्हें स्टेशन पहुँचने में देरी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। तभी दक्ष बोलता है, मैंने बोला था ना जल्दी करो, अब देखो हो गई ना ट्रेन मिस। दक्ष की डांट सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर दक्ष बोलता है, ओह नो, आई एम सो सॉरी काव्या, वो मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दक्ष, गलती मेरी ही थी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। प्लेटफॉर्म पर खड़ा उन दोनों को देख वहां पर स्टेशन का टीटी मास्टर आता है और उनसे बोलता है, लगता है तुम लोगों की ट्रेन मिस हो गई है, अब अगली ट्रेन सुबह के 4 बजे की है, जब तक तुम लोग यहाँ पे बैठकर इंतजार कर सकते हो। क्यों, इस बीच कोई और ट्रेन नहीं आती क्या? आती है ठीक 12 बजे, लेकिन तुम दोनों उस ट्रेन में मत चढ़ना, नहीं तो ये सफर तुम्हारा अंतिम सफर होगा। इतना बोलकर टीटी वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म की घड़ी में रात के 12 बजते हैं और स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है जिस पर लिखा होता है अंतिम सफर। ट्रेन के आने के बाद सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। ये देख काव्या घबरा जाती है, लेकिन फिर काव्या बोलती है, अंतिम सफर, भला ऐसा भी कोई नाम होता है? और ये दिखने में कितनी डरावनी लग रही है, इसमें इंसान भी कम है। तो क्या हुआ, नाम ही तो है, हो सकता है रात के समय कोई भी इस ट्रेन में सफर नहीं करना चाहता हो। कैसी भी दिखे, हमें तो बस पहुंचने से मतलब है। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि अब हम इसी ट्रेन से जाएंगे। पर टीटी ने तो मना किया हमें इस ट्रेन से जाने से। तो तुम क्या चाहती हो, उस टीटी के कहने पर हम पूरी रात इस प्लेटफॉर्म पर बिताएं? नहीं ना, तो फिर चलो। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के अंदर एक सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन वहां से चल पड़ती। जिस बोगी में वो दोनों होते हैं उसमें बस कुछ ही लोग बैठे होते हैं और उनकी सीट के सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी होती है जो मन में कुछ बड़बड़ा रही होती है। ये सफर तुम दोनों का अंतिम सफर बनने वाला है, ये ट्रेन इंसानों के अंतिम सफर की ट्रेन है, मारे जाओगे। हेलो मैम, आप कहाँ जा रही हैं? और ये आप क्या बोल रही हैं? किसका अंतिम सफर है? काव्या की बातों का वो औरत कोई जवाब नहीं देती और ये सब देखकर काव्या को आश्चर्य होता है। तभी वो दक्ष से बोलती है, इस ट्रेन में बड़ी अजीब लोग हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा और ये लोग कितने शांत हैं, इनमें कोई हलचल नहीं है, मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। डरना कैसा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, दक्ष बोल ही रहा होता है। तभी ट्रेन एक टनल में एंटर करती है। टनल में एंटर करने के साथ ही ट्रेन की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और देखते ही देखते काव्या के सामने वाली औरत एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। काव्या ये देखकर बहुत डर जाती है और बोलती है, दक्ष इधर देखो, ये औरत नहीं है, चुड़ैल है। ओह नो, ये कैसे हो सकता है, ये तो सचमुच की चुड़ैल है, अब हमें ये मार देगी, बचाओ हमें, हमारी हेल्प करो। अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मार कर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और फिर एक दिन कॉलेज के 5 दोस्त पिकनिक मनाने चंडीगढ़ जाने के लिए उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। आई एम सो एक्साइटेड यार, बस अब ये ट्रेन जल्दी से आ जाए और फिर चंडीगढ़ की पहाड़ियों पर हमारा ही राज होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले हम पहुंच तो जाएं। तभी प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होता है कि चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन आज के लिए रद्द कर दी गई है। ये सुनकर जानवी बोलती है, ओह नो, ये क्या हो गया, अब हम वहाँ कैसे जाएंगे? तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है जिसके ऊपर अंतिम सफर लिखा होता है। ट्रेन को देख कर आर्य बोलता है, लो हो गया हमारे जाने का इंतजाम, अब हम इसी ट्रेन से वहाँ जाएंगे। तो फिर देर कैसे, लेट्स गो गाइस। जिसके बाद वो पांचों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। तभी जानवी बोलती है, गाइस ये ट्रेन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, कितना खाली खाली है यहाँ सब कुछ। हाँ जानवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें नहीं लगता दोस्तों?
उसी वक्त ट्रेन एक टर्नल में एंटर करती है। इसके साथ ही ट्रेन की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तभी उसके सामने अचानक से एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है और उनसे बोलती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, सबके सब मरोगे, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को अपने सामने देख और उसकी बातों को सुनकर वो पांचों दोस्त डर जाते हैं और डरते हुए चिल्लाने लगते हैं, ओह माय गॉड, चुड़ैल, कोई बचाओ हमें। Somebody help us! कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ये मेरी ट्रेन है, मरोगे, सब मरोगे। इतना बोलकर चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों से एक ही झटके में तीनों का गला काट कर उन्हें मौत के घाट उतार देती है और बोलती है, अब तुम दोनों की बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तुम हमें भी मार देना, लेकिन मारने से पहले हमें हमारा कसूर तो बता दो। हाँ, हम जानना चाहते हैं, बताओ हमें। तुम इंसान हो, यही तुम्हारा कसूर है, क्योंकि इंसानों की वजह से आज मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं हूँ। इंसान बहुत बुरे होते हैं, इसलिए मैं सभी इंसानों को मार दूंगी। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, तुम हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरा नाम वर्षा था और मैं इसी ट्रेन से सफर करते हुए अपनी माँ से मिलने गांव जा रही थी। जिस बोगी में मैं थी उसमें अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और ये बात मैं टीटी से जाकर बोलती हूँ। सर, हमारी बोगी में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, आप किसी टेक्नीशियंस को बुलवा कर वहाँ की रिपेयरिंग करवाइए, नहीं तो वो आग फैल जाएगी। ये सरकारी ट्रेन है और इसमें छोटी मोटी शॉर्ट सर्किट होती रहती है, अगर इतना ही जान का डर है तो फ्लाइट से आया जाया करो, अब चुपचाप से जाकर बैठ जाओ। टीटी के ऐसा बोलने से वर्षा चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है, पूरे बोगी में आग लग जाती है जिसमें जलकर सभी लोग मर जाते हैं और वर्षा मरकर चुड़ैल बन जाती है। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं लोगों को मार रही हूँ, और जब तक ये पूरा मैनेजमेंट सही नहीं हो जाता मैं लोगों को मारती रहूंगी ताकि लोग ट्रेन से सफर करना बंद कर दें। अगर तुम हमें जिंदा छोड़ दो तो हम रेलवे डिपार्टमेंट से बात करेंगे और मैनेजमेंट को ठीक करवाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों की जान बख्शती हूँ। जिसके बाद जानवी और आर्य मिलकर रेलवे डिपार्टमेंट से बात करते हैं और सभी ट्रेनों की अच्छी तरह से मैनेजमेंट करवाते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस ट्रेन को छोड़कर वहां से चली जाती है। बर्फ में रहने वाली चुड़ैल। हेमंत बर्फ की बड़ी सिल्ली खरीद कर उसको अपनी साइकिल पर कस कर बांध कर चल पड़ता है। आज तो बड़े सस्ते में निपट गया, इतने कम कीमत में इतनी सारी बर्फ की ढेली मिल गई। वह बर्फ की सिल्ली से लदी साइकिल तेजी से खींचते हुए छोटा रास्ता जान पड़ने पर एक सुनसान जंगल से घर की तरफ जाने लगता है। तभी जंगल से निकलकर एक चुड़ैल अपने शरीर को खुजाते हुए कहती है, हाय रे, कितनी गर्मी है, कहाँ जाऊँ, मेरा जंगल तो थार मरुस्थल बन गया है। चुड़ैल की खौफनाक नजर बर्फ की सिल्ली से टपक रहे पानी की बूंदों पर पड़ते ही वह मकड़ी की नाई रेंगते हुए बूंदों को पीकर कहती है, आहा, दो बूंद जिंदगी की, वाह, बर्फ तो बड़ा सुकून दे रहा है। चुड़ैल के बुदबुदाने की आवाज सुनकर हेमंत पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो कहता है, ये आवाज कैसी थी, हो सकता है कि गर्मी से बर्फ की सिल्ली से पानी की बूंदें टपक रही हो। आवाज को नजरअंदाज करके वह दोबारा से साइकिल चलाने लगता है। तभी चालाक चुड़ैल उसकी बर्फ की सिल्ली पर सवार होकर कहती है, आजा मेरे राजा, तुझे फिल्म दिखाऊं मैं बर्फीली बर्फीली बारी में फायर लगाऊं, अब तो मैं इसी बर्फ की वादियों में रहूंगी। फिर चुड़ैल बर्फ की सिल्ली के अंदर समा जाती है। हेमंत घर आकर बर्फ को एक कोने में रख देता है और खा पी कर जमीन पर चादर बिछाकर सो जाता है। आधी रात वह खुद को भीगा महसूस करता है तो अचानक उसकी आँख खुल जाती है तो वह देखता है कि बर्फ की सिल्ली पिघल कर पूरे घर में फैल गई है, जिसके बाद माथे पर हाथ धर कर कहता है, हे राम, इस बर्फ ने तो बाढ़ का रूप धारण कर लिया है। फिर वो पूरा घर साफ सुथरा करने के बाद घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, पानी से शराब और इस गीले बिछौने पर नींद तो आने से रही, भोर के 4 बज गए हैं, क्यों ना इस बर्फ की सिल्ली को तोड़कर छोटे टुकड़े कर लूं, सुबह बेचने में आसानी होगी। वह बर्फ तोड़ने के औजार से जैसे ही बर्फ की सिल्ली पर वार करता है,
चुड़ैल गुस्से से बौखला कर बाहर निकल कर बोलती है, तेरी मजाल कैसे हुई इस बर्फ को तोड़ने की, मरेगा अब तू मरेगा। चुड़ैल अपनी आंखों की शक्ति से उस औजार को हवा में उछाल कर हेमंत के गर्दन पर भोंक देती है और वह करहाते हुए कहता है, अरे बचाओ कोई, मेरी मदद करो, मेरी जान जा रही है। इससे पहले कि कोई इस मुर्दे को देखे, मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, क्यों ना मैं इसको बर्फ में ही बदल डालूं। चुड़ैल उसकी लाश को बर्फ में बदलकर अपने बर्फ की सिल्ली में शामिल कर लेती है और उसमें समा जाती है। कुछ वक्त बाद सुबह हो जाती है, तब मीठी कहती है, अरे उठ भी जाओ जी, और कितनी नींद मारोगे, सूरज सर पर चढ़ गया है। अरे भगवान, मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं जो भोपू की तरह बजे जा रही हो। जाओ जाकर हेमंत भैया से बर्फ खरीद लाओ, वरना बर्फ के गोले कैसे बेचोगे। महेंद्र हेमंत के घर जाकर उसका दरवाजा पीटते हुए कहता है, दरवाजा खोलो हेमंत भाई, खोलो दरवाजा। अरे हेमंत भाई कहाँ हो। लाख आवाज लगाने पर भी कोई बाहर नहीं आता। फिर वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और वह अंदर घुसकर कहता है, अरे ये घर पर नहीं है, बाकी दिन तो सवेरे के 5 बजे हमारे घर पर धरना दे देते थे, आज है कहाँ आखिर ये। कुछ देर बैठकर इंतजार करने के बाद वो कहता है, अब और इंतजार नहीं कर सकता, बर्फ की घिसाई में भी वक्त लगता है, खुद ही बर्फ तोड़ कर ले जाता हूँ। महेंद्र बर्फ तोड़ने के औजार को उठाकर जैसे ही बर्फ की सिल्ली के पास आता है कि घर का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और खिड़कियां जोर शोर से चटकने लगती हैं। घर में खौफनाक अंधेरा छा जाता है, जिसे देख वह कहता है, अचानक दिन दहाड़े घर का माहौल एकदम से भूतिया होकर रात में कैसे छा गया। फिर बर्फ की सिल्ली तेजी से पिघलकर खून में बदलकर पूरे जमीन को सराबोर कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल बर्फ से बाहर आकर भड़कते हुए कहती है, अब तू भी मरेगा, तूने मेरी शांति भंग की है। अरे राम, ये कैसी चुड़ैल है जो बर्फ से बाहर कूद पड़ी। क्यों, गर्मी सिर्फ तुम इंसानों को लगती है, हम चुड़ैल में जान नहीं है, हमारे अंदर भी धधकती आग भड़कती है। अरे कितनी ज्वालामुखी भरी पड़ी है तेरे अंदर चुड़ैल, जो इसमें समाई बैठी है। ये मेरा बर्फ घर है, ये बर्फ मेरा घर है, जो भी इसको तोड़ेगा वो मरेगा। चुड़ैल उसको मारकर बर्फ में बदलकर उसे अपने बर्फ के घर में शामिल करते हुए कहती है, ये कमीने गांव वाले मुझे मेरे बर्फ के आशियाने में सुकून से जीने नहीं दे रहे, इन्हें एक एक करके ढेर करना ही होगा। तकरीबन 2 दिन गुजर जाते हैं। चुड़ैल उस घर में आने वाले हर शख्स को मारकर उसे अपनी बर्फ की सिल्ली में बदल देती। ये खबर पूरे गांव में दहशत की तरह फैल जाती है और गांव के लोग एक रात इस विषय पर चर्चा करते हुए कहते हैं, हरी काका, 2 दिन में ही उस बर्फीली चुड़ैल ने गांव के आधे लोगों को ढेर कर दिया है। कल मैंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा, कैसे उसने महेंद्र को मारकर बर्फ बना दिया। पर ये बर्फ वाली चुड़ैल हमसे क्या चाहती है। हमें तो उसी घड़ी समझ जाना चाहिए था जब गांव के जेठ अषाढ़ में पड़ने वाली कड़कती गर्मी पूस के जाड़े में बदलने लगी थी। क्या मतलब। एक चुड़ैल जब शक्तिशाली होती है तो वो अपनी बुरी शक्तियों से मौसम पर भी कब्जा करके उसे भी बदल सकती है। मतलब गांव में पिछले 2 रातों में जो मौसम ठंडा होकर बर्फीला कोहरा बरसा रहा है वो इस बर्फीली चुड़ैल के कारण है। लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। समाधान तो है पर ये बहुत कठिन है। समाधान बताइए काका। हमें इस चुड़ैल के साथ चतुराई से काम लेना होगा। हमारे गांव का मंदिर है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। ये चुड़ैल हमको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी क्योंकि रात में इसकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होती हैं। तो क्यों हम चुड़ैल के हाथों मरने का इंतजार करें। हमें सिर्फ एक साथ सुबह का इंतजार करना है। सभी इस बात से अनजान थे, चुड़ैल उनकी बात सुन चुकी है। चुड़ैल कहती है, ये गाँव वाले मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कल का सूरज आज की रात इन पर भारी पड़ने वाली है। चुड़ैल छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदलकर पूरे गांव में फैल जाती है और बर्फ की बड़ी सिल्ली पर बैठकर कहती है, सब मरोगे। घर में छुपे सभी लोग ये देख रहे थे, तभी मंगल कहता है, हरी काका, ये चुड़ैल कैलाश नगरी क्यों बना रही है।
यह तमाम बर्फ के टुकड़े इस चुड़ैल के बिछाए जाल हैं। अगर गलती से हमने इसे छू लिया तो हम वहीं जम जाएंगे। गांव वाले होशियारी से काम लेते हैं और चुड़ैल के बनाए माया जाल से बच जाते हैं। कुछ देर बाद सूरज की किरणें फूट पड़ती हैं और चुड़ैल छटपटा कर कहती है, आज सूर्योदय इतनी जल्दी कैसे हो गया? मुझे इस रोशनी से बचना होगा। हमको इस चुड़ैल को इस धूप की रोशनी से भागने से रोकना होगा। सभी जन भगवान का अभिषिक्त लाल कपड़ा चुड़ैल पर फेंक देते हैं। चुड़ैल होशियारी दिखाकर बर्फ की सिल्ली में घुस जाती है। हमें इस बर्फीली चुड़ैल के इर्द गिर्द चक्कर बनाकर इस कपड़े को हटाना होगा। सूरज की रोशनी जैसे ही बर्फ पर पड़ेगी, चुड़ैल की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी और वो दम तोड़ देगी। वह चुड़ैल को अभिमंत्रित सिंदूर चक्र के अंदर कैद करके कपड़ा हटाते हैं, जिस कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और चुड़ैल तड़प कर कहती है, आ, छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझ चुड़ैल पर तरस खाओ। ये चुभती जलती किरणें मेरे शरीर पर तेजाब के जैसे असर कर रही हैं। बर्फ के पिघलाव के साथ अंत में चुड़ैल लावे की तरह फूट पड़ती है और मरते हुए कहती है, हाय गर्मी। जिसके बाद गांव में से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। भूतिया डिनर। रात के समय रोहित, विराट, निशा नाइट आउट के लिए सुनसान सड़कों पर निकले थे। भूख लगने पर आगे जाकर एक पुराने से ढाबे पर रुकते हैं, जहां दो लोग हाथ ताप रहे थे। ये देखकर तीनों ढाबे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सुनिए क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप आइए, आपको बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा यहाँ पर। वैसे मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्या बता सकते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है? हाँ आप अंदर तो आइए, मैं आपको सारे मेन्यू बताता हूँ। तीनों उन दोनों की बात सुनकर ढाबे में चले जाते हैं और वो आदमी कमलेश कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं तीनों के लिए बेस्ट खाना लेकर आता हूँ। अंदर वो औरत चंपा, जो कि एक चुड़ैल थी, वो एक बड़े से पतीले में एक करछी से उसे चलाकर कहती है, अजी देखिए तो ये मुंडी और उंगलियों की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, क्या खुशबू आ रही है, जरा आप चखेंगे। चखाओ चखाओ। ये खाने के बाद वो डरावना भूत कहता है, वाह स्वादिष्ट बनाया मेरी चंपा रानी चुड़ैल, अब ये खाना मैं उन्हें भी खिलाकर आता हूँ। अगर उन्होंने ये खाना नहीं खाया तो आप जानते हैं ना हमें क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मेरी चंपा रानी उनकी भी बोटियाँ बोटियाँ करके इसी तरह तुमसे सब्जी बनवाऊंगा। अरे भैया कितनी देर में खाना लाओगे? यहाँ पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं, जरा जल्दी लाओ ना। हाँ जल्दी लाइए, बहुत तेज की भूख लगी है। वो इस तरह मियाँ बीवी इंसानी रूप में उनके सामने जाकर खाना परोसते हैं, जो कि एक प्लेट में खून, हड्डियाँ, कटा सिर और कटी उंगलियाँ होती हैं। उन्हें देखकर कमलेश कहता है, माफ कीजिए आपको ज्यादा देर इंतजार करवाना पड़ा, आपका खाना यहाँ है, खाइए पेट भर कर। खून, ये क्या मजाक है? हमने खाना मांगा है और आप हमें ये कटा सिर, हड्डी, खून, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? ये क्या बदतमीजी है, हम यह खाना नहीं खा सकते। खाने में तो यही है और यही खाना भी पड़ेगा। अगर तुमने नहीं खाया तो भी तुम्हें जबरदस्ती ये खिला कर ही रहेंगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत, अरे राम रे, ये तो हम किसी भूत और चुड़ैल के पास खाना खाने आ गए, ये दोनों तो भूत हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम चुड़ैल और भूत हैं। और अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ये खाना खत्म करो। पर ये तो इंसानी मांस है, हम इसे नहीं खा सकते। ये तुम्हारा खाना है, खाना नहीं खाओगे तो मरोगे, अब बताओ खाओगे या मरोगे। भूत और चुड़ैल दोनों उनकी तरफ बढ़ते हैं और कटा सिर लेकर निशा के मुंह की तरफ करते हैं। वो डरकर उस कटे सिर को फेंक देती है, तभी रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है,
मुझे मम्मी के पास जाना है। विराट, रोहित, कुछ करो, यहाँ से चलो। रवि चुड़ैल उसके बाल पकड़कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इतने लजीज खाने को नीचे फेंक दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। वो चुड़ैल ऐसा कहकर निशा को जबरदस्ती खून पिलाती है, तभी निशा फेंक देती है। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो दो चार चांटे निशा के मारती है। ये देखकर विराट और रोहन चिल्लाने लगते हैं, तभी भूत दोनों को मारकर जबरदस्ती मांस हड्डी खिला देते हैं और मांस थूकने पर उन दोनों को जान से मार डालते हैं। अपने दोनों दोस्त को देखकर निशा बहुत रोती है। मार डाला तुम दोनों ने, मार डाला इनको, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ये सिला दिया। हमें मजा आता है तुम लोगों को परेशान करके। जो भी यहाँ आएगा उसे भूतिया डिनर तो करना ही पड़ेगा। तेरा रोना धोना और बर्दाश्त नहीं होता, तू भी अब अपने दोस्तों के पास पहुँच जा। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल निशा को जमीन पर पटक पटक कर मार डालती है। अगले दिन भूत और चुड़ैल उनके ढाबे पर एक लड़का लड़की को आता देख ढाबे का भूतिया माहौल से रोमांटिक माहौल कर देता है, जिसे देखकर शुभम कहता है, अरे बेबी, मैं तुम्हें ऐसे ही डिनर पर ले जाना चाहता था, और यहाँ तो पहले से ही सब किया कराया मिल गया, कैंडल लाइट, डिनर, डेकोरेशन, कितना सुंदर सजा रखा है ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक्सक्यूज मी आंटी, आप जल्दी से हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आइए। हाँ, जो भी आपके ढाबे का बेस्ट हो वो आप ले आइए। जी अभी लाया। ये लोग जानते नहीं है यहाँ का बेस्ट डिनर सिर्फ कटी मुंडी, हड्डियाँ, खून और शरीर के टुकड़े का है। चुड़ैल और भूत इसी तरह उनके सामने जाते हैं और जब वो भूतिया खाना कटे शेर खून उंगलियों को देखते हैं तो डर जाते हैं और कहते हैं, ये तो कटी मुंडी, खून और शरीर के टुकड़े हैं, आप मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ, चलिए अच्छा सा खाना लेकर आइए। हाँ प्लीज ले आइए। तुम दोनों ने ही कहा था इस ढाबे का जो बेस्ट खाना हो उसे लेकर आओ, तो मैं बस यही लेकर आया हूँ। ये कटी हुई मुंडी, लजीज खून वाली, ये जो ये उंगलियां, ये पुरानी हड्डी, ये मांस के टुकड़े, अरे अरे इन्हें खाओ, यहाँ का स्पेशल है। ये बोलते ही वो भूत भी अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ का माहौल भी डरावना हो जाता है। दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं कि दरवाजा बंद हो जाता है। अब तो तुम्हें ये खाना ही होगा, आओ हमारे साथ भूतिया डिनर करो। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई है जो हम यहाँ आ गए। प्लीज हमें बख्श दो, जाने दो हमें। नहीं, अब हम तुम्हें ये सब खिला कर ही रहेंगे। जैसे ही चुड़ैल और भूत दोनों को जबरदस्ती मांस और वो खून खिलाने पिलाने लगते हैं तो शुभम डर कर कहता है, देखो तुम्हारे जरूर साथ किसी ने गलत किया होगा, उसकी सजा हमें मत दो, मैं जानना चाहता हूँ तुम ऐसे हमेशा से तो नहीं होगे। ये बात सुनते ही वो भूत और चुड़ैल अपनी बीती बातों में चले जाते हैं, जहाँ वो इसी ढाबे में बावर्ची का काम करते थे। ऐसे ही एक दिन उनके पास दो गुंडे जैसे दिखने वाले हाथ में बोरी लिए आकर कहते हैं, सुनो ये बोरी थामो और इसमें कुछ जानवरों का मांस है, जरा उनका कीमा बनाकर लाओ, हम वही खाएंगे। जल्दी करो, तुम्हें पैसे देंगे, हमें ढाबे का खाना नहीं खाना। पैसों की बात सुनकर मालिक दोनों को उनके मांस का खाना बनाने को बोलता है। जैसे ही दोनों रसोई में जाकर उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। तभी वो ये बोरी उन दोनों गुंडों को मुंह पर मारते हैं और कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के टुकड़े, और हम इसका खाना कैसे बना सकते हैं। हाँ दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। खाना तो बनाना पड़ेगा ही, हम आदमखोर हैं और हम इंसान का मांस खाते हैं। दोनों उन आदमखोर की बात सुनकर मना कर देते हैं। तभी वो जबरदस्ती कर उन दोनों को मार डालता है, जिसके बाद चंपा और कमलेश चुड़ैल और भूत बन जाते हैं और कहते हैं, इसने हमें मार डाला, अब हम लोगों को मार कर उनके टुकड़े उनको ही खिलाएंगे। हाँ चंपा रानी, अब से ये ढाबा सबको भूतिया डिनर करवाएगा।
इसी के बाद दोनों ने बीती बातों से बाहर आते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। चंपा, मुझे एहसास हो गया है, हमें मासूम लोगों को मारने की जगह उस दरिंदे को ही मारना चाहिए जिसने हमें मारा था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जानी अनजानी हम वही कर रहे थे जो हम मरते वक्त नहीं करना चाहते थे। ये बोलते ही दोनों उन आदमखोरों को ढूंढकर मार डालते हैं और अपना बदला पूरा करने के बाद इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं।